अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्पीकिंग में तो फिर से खुशामदीद दोस्तों। जो आज वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ये वीडियो हमारी होने जा रही है जी एक 12 वोल्ट डीसी बल्ब के ऊपर। तो काफ़ी टाइम के बाद आपकी खिदमत में पेश हैं और आज जो है जी एक छोटी सी वीडियो लेके आ चुके हैं। आपके सामने दो LEDs की चिप्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये है जी 12 वोल्ट की LED चिप। इसी किस्म की हमारे पास 220 वोल्ट के अंदर भी आती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं जी 12 वोल्ट डीसी बल्ब के अंदर इस बल्ब को। तो ये आपके सामने एक 220 वोल्ट का बल्ब है जो कि खोल के आपको मैं दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 220 वोल्ट का है। अब इसको चिप को भी उतार देते हैं। ये जो चिप बनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये प्लस और माइनस लिखा है, लेकिन इसके पीछे ड्राइवर लगा हुआ है जो आपके 220 को वोल्ट को कन्वर्ट करके इस चिप को चलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे करना चाहिए कि इसका जो चूड़ी वाला हिस्सा है इसको उतार लेना है। को यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ चुका है, ये ड्राइवर और ये LED। इसके पीछे ये ड्राइवर है और ये LED है जो कि 220 वोल्ट के ऊपर चलती है। तो अभी ये फ़िलहाल ख़राब था तो मैंने आपको चेक किस वजह से नहीं कराया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 220 वोल्ट वाली ही है। और अभी जो है जी हम इसको फिट करेंगे, ये 12 वोल्ट की LED। इसको फिट करने का तरीका नहायत ही आसान है। कुछ इस तरीके से हमने जैसे वो फिट थी ऐसे ही हमने ये भी फिट कर देनी है, लेकिन इसके पीछे हमने कुछ चीज़ें लगानी हैं। अगर हम डायरेक्ट इसके साथ कनेक्शंस कर देते हैं तो ये आपकी LED जो है जी वो जल भी सकती है अगर प्लस और माइनस गलत लगता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया है। ब्रिज आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसकी इनपुट दे देनी है यहाँ पर और यहाँ पर, और जहाँ से आउट निकलती है प्लस और माइनस वो हमने इस LED के साथ लगा देनी है। तो जल्दी से ये छोटे से कनेक्शंस करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ कनेक्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हो चुके हैं। काफ़ी सिंपल से कनेक्शंस थे जो हमने किए हैं। यहाँ पर जो ब्रिज है हमने लगा दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से भी ना भी लगाएं तो कोई नहीं मसला, ठीक है जी। अभी करते हैं ये है कि हम अपनी बैटरी को यहाँ पर रखते हैं और इस बॉडी के अंदर फिट करने से पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने है जी ये LED, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, हालांकि पॉजिटिव वायर ये थी और मैंने यहाँ पर नेगेटिव की तरह लगाया है। यहाँ पर मैंने उल्टा भी लगाया तो तभी हमारा जो बल्ब है वो चल रहा है। चाहे आप इस तरीके से लगाएं तभी चलेगा, चाहे आप इस तरीके से लगाएं तभी आपका बल्ब चलेगा। तो अभी इसको जल्दी से हम इस बॉडी के अंदर फिट करते हैं और उसके बाद इसको आपने 12 वोल्ट के अंदर चला लेना है। सोल्जर के ऊपर डायरेक्ट नहीं चलाना, अगर उसके ऊपर चलाना होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बना देंगे जिससे आप इसको सोल्जर पर भी चला सकते हैं। तो अब इसकी फिटिंग इसके अंदर कर देते हैं जल्दी से, और फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं क्या है कि हमारा बल्ब किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी इसको पैक कर दिया है और इसके ऊपर ये चला देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो अब रेडी है। इसको अब चला के चेक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर चलाने के लिए हमने एक छोटी सी प्रॉब ले ली है मीटर की। अभी यहाँ पर मैं इसकी, वैसे तो ये पॉइंट जो होता है पॉजिटिव होता है किसी भी DC बल्ब का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बल्ब अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और अभी जो है जी मैं वायर अपनी चेंज करने लगा हूँ। ये पॉजिटिव वायर हमने पॉजिटिव की तरफ ही कर दी है, आगे हमने नेगेटिव की तरफ लगाई थी। और अभी इसको चला के चेक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी अच्छा हमारी इसकी ब्राइट रोशनी है और काफ़ी हमारा ये तजर्बा ठीक रहा है। अगर आपके पास भी ये बल्ब है तो सिर्फ आप इसके अंदर ब्रिज लगा दें, आपका बल्ब जो है जी वो गलत पोलैरिटी के ऊपर भी नहीं जलेगा। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव गलत भी लगा देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करता रहेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस लाजमी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल का सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।